आज पूरी दुनिया के सामने 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। आतंकियों के हाथ में AI टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया की सबसे लेटेस्ट और कमाल की तकनीक। AI की पूरी दुनिया में चर्चा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके बड़े बड़े फायदे हैं, लेकिन AI भी भगवान के वरदान की तरह है। सही और काबिल हाथों में गया तो जिंदगी बदलने वाला, और अगर गलत हाथों में पड़ गया तो सब कुछ तहस नहस कर देने वाला विनाश। यही वजह है कि दुनिया के देशों को मिलकर AI पर मंथन करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट रखी गई थी। इस बार की समिट की अगुवाई भारत कर रहा है। समिट का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और मंच से AI को लेकर दुनिया को संदेश दिया। AI के जरिए डीप फेक के मुद्दे पर भी चिंता जाहिर की। सुनवाते हैं आपको PM मोदी की वही बड़ी बातें। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में AI टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास AI लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है कि कैसे AI के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। AI के अनेक पॉजिटिव पहलू है, लेकिन इससे जुड़ी नेगेटिव बातें भी उतनी ही चिंता का विषय है। AI 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। AI के प्रभाव से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कोई भी छूटी नहीं है। हमें बहुत सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, और इसलिए मैं समझता हूं इस समिट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मूलभूत मूल्य है उसकी रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती है, लेकिन ये हम पर है कि हम अपने एथिक्स को भी बनाए रखें। इस दिशा में ये मंच विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब कुछ ही दिन बचे हैं, नया साल आने ही वाला है। हमें एक तय समय सीमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर्क को पूरा करना ही होगा। मानवता की रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, AI सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन गई है। इसलिए हम सभी का मिलकर काम करना बहुत ही आवश्यक है। मैं तो जब भी किसी AI एक्सपर्ट से मिलता हूं तो अपने सवाल और सुझाव रोक नहीं पाता। आज आप एक्सपर्ट से बातें करते हुए भी कई बातें मेरे मन में आ रही हैं। हमें ये सोचना होगा कि AI जनरेटेड इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है।
ऐसे क्या डेटा सेट्स हो सकते हैं जिनके उपयोग से हम एआई टूल्स को ट्रेन और टेस्ट कर सके। किसी एआई टूल को मार्केट में रिलीज करने से पहले कितना टेस्ट करना चाहिए इस पर भी जरूर सोचना चाहिए। क्या हम कोई सॉफ्टवेयर वॉटरमार्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो ये बताएं कि ये इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट एआई जनरेटेड है। इससे जो व्यक्ति एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा उसे उसकी लिमिटेशंस के बारे में पता रहेगा। क्या हम एक ऐसा ऑडिट मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जिसमें एआई टूल्स को उसकी क्षमता के आधार पर रेड, येलो या ग्रीन में कैटेगराइज किया जा सके? क्या हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जो रेजिलिएंट एम्प्लॉयमेंट को सुनिश्चित करे? क्या हम स्टैंडर्डाइज ग्लोबल एआई एजुकेशन करिकुलम ला सकते हैं? क्या एआई ड्रिवेन फ्यूचर के लिए लोगों को तैयार करने के स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं? ऐसे अनेक सवालों पर सरकार से जुड़े लोग और आप सभी एक्सपर्ट्स जरूर विचार करें। आप एआई के विभिन्न पहलू पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे। मुझे आशा है कि हमारे पास स्पेसिफिक आउटकम्स होंगे, इन पर अमल करके हम एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण का रास्ता जरूर सशक्त करेंगे। डीप फेक के बढ़ते खतरों के बीच दिल्ली में 3 दिन का जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट आयोजित किया गया था उसमें सदस्य 30 देशों के अलावा सऊदी अरब भी शामिल है। सरकार का मानना है कि डीप फेक मामले में सभी देशों की चिंताएं समान है। सभी देश इसके बढ़ते गलत इस्तेमाल पर चिंतित होने के साथ इस पर रोक लगाने के इच्छुक है। आपको याद दिला दें कि डीप फेक को लेकर भारत में उस वक्त बड़ी बहस छिड़ गई थी जब साउथ की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद डीप फेक का शिकार आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, काजोल और प्रियंका चोपड़ा जैसी अभिनेत्री भी हुई हैं। डीप फेक की ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सख्ती बरती है। एडवाइजरी जारी हो चुकी है जिसमें 1,00,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।